ऑस्ट्रियाई न्यूरोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रायड ने मानव जीवन की प्राथमिक प्रेरक ऊर्जा के रूप में यौन इच्छा को परिभाषित किया। सपनों की व्याख्या अचेतन इच्छाओं में अंतर्दृष्टि के स्रोत के रूप में की और चिकित्सीय संबंध में संक्रमण के सिद्धांत का निर्माण किया। आइए सुनते हैं उनके महत्वपूर्ण विचार जो सभी के जीवन को प्रभावित करेगी। एक महान प्रश्न, इसका उत्तर कभी नहीं दिया गया है और इसका मैं अभी तक उत्तर नहीं दे पाया हूँ। स्त्री आत्मा में मेरे 30 वर्षों के शोध के बावजूद एक महिला क्या चाहती है? चेतन मन की तुलना एक ऐसे गुब्बारे से की जा सकती है जो धूप में खेलता है और अवचेतन के महान भूमिगत कुंड में वापस गिर जाता है जहाँ से वह उगता है। यदि कोई दुनिया की वास्तविकताओं की खोज करना चाहता है तो उसे विनम्र होना चाहिए, व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और दुश्मनी को पृष्ठभूमि में रखना चाहिए। आपकी कमजोरियों में से ही आपको ताकत आएगी। इसके पास सेक्स की कमी है, वह सेक्स के बारे में बात करता है, भूखा भोजन के बारे में बात करता है। इसके पास पैसा नहीं है, वह पैसे के बारे में बात करता है, अर्थात इसके पास जिस चीज की कमी है वह उसी के बारे में बात करता है। अधिकांश लोग वास्तव में स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं क्योंकि स्वतंत्रता में जिम्मेदारी शामिल है और अधिकांश लोग जिम्मेदारी से डरते हैं। हमारे भीतर एक शक्तिशाली शक्ति है, मन का एक अप्रकाशित हिस्सा, चेतन मन से अलग, जो हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को ढालने के लिए लगातार काम कर रहा है। इससे पहले कि आप अपने आप को अवसाद या कम आत्मविश्वास से निकालने का कोशिश करें, पहले सुनिश्चित करें कि आप वास्तव में उन लोगों से घिरे नहीं हैं जो आपका अप्रिय हो। जिस तरह किसी को आस्था के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, उसी तरह किसी को नास्तिकता के लिए भी मजबूर नहीं किया जा सकता है। जब आप एक दिन अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखेंगे तो संघर्ष के दिन आपको सबसे सुंदर रूप में प्रभावित करेंगे। परिपक्वता में संतुष्टि को स्थगित करने की क्षमता है। सपने अक्सर पागल लगते हैं जब वह सबसे गहरे होते हैं। मन की अचेतन गतिविधियों के ज्ञान के लिए सपनों की व्याख्या सही मार्ग है। एक इंसान का अचेतन मन चेतना से गुजरे बिना दूसरे पर प्रतिक्रिया कर सकता है। जब किसी के पास वह नहीं है जो कोई चाहता है तो उसे उससे संतुष्ट होना चाहिए जो उसके पास है। अव्यक्त भावनाएं कभी मिट नहीं सकती है। यदि उन्हें जिंदा रखना दिया गया है तो बाद में वे और भी बुरे तरीके से सामने आएंगे। फूल देखने में सुकून देने वाले होते हैं क्योंकि उसमें न तो भावनाएं हैं और न ही संघर्ष है। एकमात्र व्यक्ति जिसके साथ आपको अपनी तुलना करनी है वह है आपका अतीत। स्वयं के प्रति पूरी तरह ईमानदार होना एक अच्छा व्यायाम है। मुझे लगता है कि रोमांटिक प्रेम का आविष्कार प्रलोभन के शानदार साधन के रूप में किया गया था। यदि आप किसी व्यक्ति को पसंद नहीं करते हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वे आपको कुछ ऐसा याद दिलाते हैं जो आपको अपने बारे में पसंद नहीं है। हम एक दूसरे को अनजाने में नहीं चुनते हैं, हम केवल उन्हीं से मिलते हैं जो हमारे और चेतन में पहले से मौजूद है। न्यूरोसिस बुरे व्यवहार के लिए कोई बहाना नहीं है। मनोविश्लेषण प्रेम के माध्यम का एक इलाज है। जब कोई प्यार करता है तो वह विनम्र हो जाता है क्योंकि प्यार करने वाले अपनी संकीर्णता से ऊपर उठ जाते हैं। स्वप्न बाहरी प्रकृति के दबाव से आत्मा की मुक्ति है। आत्मा को सांसारिक बेड़ियों से अलग करता है। उन सभी सपनों में जो सामान्य है वह स्पष्ट है, वही दिन के दौरान उत्तेजित इच्छाओं को पूरी तरह से संतुष्ट करते हैं जो अवास्तविक रहती है। तो सरल और निर्वाध रूप से इच्छाओं की प्राप्ति है। मनुष्य में शुद्ध पुरुषत्व या स्तुत्व या तो वैज्ञानिक या जैविक अर्थों में नहीं पाया जाता है। प्यार होने के बारे में सुनिश्चित होने पर वह बोल्ड हो जाता है। कामुकता, मनोविकारों और सामान्य रूप से प्रतिकाओं के समस्याओं की कुंजी है। चाबी का तिरस्कार करने वाला कोई भी व्यक्ति कभी भी दरवाजा खोल नहीं पाएगा। हम लड़कों की तुलना में लड़कियों के यौन जीवन के बारे में कम जानते हैं,
लेकिन हमें इस भेद से शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बस महिलाओं का यौन जीवन भी मनोविज्ञान के लिए एक अंधेरा महाद्वीप है। कामुकता के मामलों में हम वर्तमान में हैं, हम में से हर एक बीमार या अच्छा पाखंडियों के अलावा कुछ भी नहीं। हमारी अत्यधिक मूल्यवान सांस्कृतिक विरासत का अधिकांश हिस्सा कामुकता की कीमत पर हासिल किया गया है। प्यार और काम हमारी मानवता की आधारशिला है। प्यार और काम, काम और प्यार, बस इतना ही है। शब्द और जादू शुरुआत में एक ही चीज थे और आज भी शब्द अपनी जादुई शक्ति को बरकरार रखा है। जब हम प्यार करते हैं तो हम कभी भी दुख के खिलाफ इतने रक्षाहीन नहीं होते हैं। पुरुष जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक नैतिक है और जितना वे सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक अनैतिक है। कुत्ते अपने दोस्तों से प्यार करते हैं और अपने दुश्मनों को काटते हैं। उसी तरह जो शुद्ध प्रेम में असमर्थ है वह हमेशा प्यार में नफरत पैदा करते हैं। मन एक हिमखंड की तरह है, यह पानी के ऊपर अपने भार के साथ में हिस्से के साथ तैरता है। बच्चे पूरी तरह से अहंकारी होते हैं, वे अपनी जरूरतों को तीव्रता से महसूस करते हैं और उन्हें संतुष्ट करने के लिए बेरहमी से प्रयास करते हैं। जब मेरी आलोचना की जाती है तो मैं अपना बचाव कर सकता हूँ, लेकिन मैं प्रशंसा के खिलाफ शक्तिहीन हूँ। हम वही हैं जो हम हैं, क्योंकि हम वही हैं जो हम थे, और मानव जीवन और उद्देश्यों की समस्याओं को हल करने के लिए जो आवश्यक है वह नैतिक अनुमान नहीं बल्कि अधिक ज्ञान है। अपनी आत्मा की गहराई में देखो और पहले खुद को जानना सीखो, तब तुम समझोगे कि यह बीमारी आप पर क्यों आनी थी और शायद तब से आप बीमार पड़ने से बचेंगे। अहंकार अपने घर में मालिक नहीं है। विचार और महत्वपूर्ण खोजों और समस्याओं के समाधान के क्षेत्र में महान निर्णय केवल एक व्यक्ति के लिए एकांत में काम करना संभव है। जितना अधिक ज्ञान का फल पुरुषों के लिए सुलभ हो जाता है उतना ही व्यापक धार्मिक विश्वास का पतन होता है। मेरी स्थिति की कमजोरी का मतलब आपकी मजबूती नहीं है। इसके पास कुछ ऐसा है जो एक बार में मूल्यवान और नाजुक है, वह अन्य लोगों की ईर्ष्या से डरता है। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो हार मान ले। सभ्यता पहली बार शुरू हुई जब एक क्रोधित व्यक्ति ने चट्टान के बजाय एक शब्द डाला। जिसके पास देखने के लिए आंखें हैं और सुनने के लिए कान है वह खुद को समझा सकता है। कोई भी नश्वर रस नहीं हो सकता। यदि उसके होंठ खामोश हैं तो वह अपनी उंगलियों से बकबक करता है। उसके हर रोम रोम कुछ कहने को बेकरार रहता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता सभ्यता का उपहार नहीं है। किसी भी सभ्यता के होने से पहले यह सबसे महान था।